जानवी कपूर का नया गाना आ गया है, धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू। ये पहले म्यूजिक आता है बीच में, धीरे धीरे छुके मेरे। नहीं, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसे क्या कैसे किया है कि पहले जैसे गाना शुरू होता है तो पहले वो पूरी लाइन बता देते हैं, धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे छुके मेरे, फिर इतना लंबा पॉज आता है। व्हाट इज दिस डबल मीनिंग लिरिक्स यार, ये कौन लिख रहा है ये पर यार। और देखो, जूनियर NTR है और जानवी कपूर है, इनकी मूवी आ रही है देवरा 27 सितंबर को। पर इस मूवी का जो धीरे धीरे करके ये लोगों का पहले ट्रेलर टीजर गाना जो निकाल रहे हैं, ये गाना आया है शिल्पा राव से गवाया है, लेकिन इसका म्यूजिक तो बिल्कुल वो है ना 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 मैंने हारी, हमें लिरिक्स नहीं आते हैं, लेकिन म्यूजिक पूरा यार ऐसा ही है। और वैसे अगर देखा जाए तो मतलब गाने का जो इतना फन है वो निकल के आ नहीं पाया। मुझे लगा कि कुछ कुछ वीडियो जो है, अगर वीडियो में ही कुछ अच्छा होता, बट वीडियो भी वीडियो में कुछ भी नहीं है और वीडियो का कंपाइलेशन। एक तो बस एक चीज अच्छी लगती है मेरे को कि जो जितने भारी भरकम वो है हटे कटे जूनियर NTR उस हिसाब से बड़े फ्लूइड है यार ये सारे साउथ के बंदे एकदम से बहुत अच्छा करके। अरे यार नाटू नाटू, ओह सॉरी नाटू नाटू में यार, जिन्होंने नाटू नाटू कर लिया उनके बाद ये धीरे धीरे क्या ये इसमें क्या ही स्टेप है, मतलब जानवी कपूर को एफर्ट लग रहा है, वो बिल्कुल इतने दुबली पतली फिट हैं बिल्कुल, और उसके बाद उनको एफर्ट ऐसे लग रहा है कि ओह मुझे थोड़ा मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है ना कि जानवी कपूर कोई साउथ इंडियन एक्टर के साथ आ रही है, मुझे लगता तो है। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जोड़ी जो है ना थोड़ी सी फिट नहीं बैठ रही है, नहीं मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसे बड़े भैया वाली फीलिंग जरूर आ रही है, भाई बहन लग रहे हैं यार, वो हीरो हीरोइन नहीं लग रहे, छोटी लग रही है यार उनके सामने बहुत ज्यादा, शायद वो छोटी है भी, शायद क्या मतलब है ही, सच में बहुत छोटी है, लेकिन जानवी कपूर और वो बिल्कुल भाई बहन वाला रिश्ता लग रहा है, मतलब मेरा मन उस चीज को मान ही नहीं पा रहा है कि वो किसी एक आइलैंड के ऊपर एक बीच में रोमांस कर रहे हैं, और रोमांस भी नहीं कर रहे हैं वैसे तो, हाँ वैसे बैड टच कर रहे हैं, हाँ बैड टच कर रहे हैं, ये जानवी कपूर को सीखने की जरूरत है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। और तुम देख रहे हो शक्लें भी थोड़ी ऐसे ऐसे बना रही हो, खुश नहीं हो रही हो, कह रही मेरे को ऐसे से ऐसे से करके पेट में से उंगलियां कर, ये कैसे कैसे, ये कौन है इसके कोरियोग्राफर, बॉस्को है इनके कोरियोग्राफर, ऑल्दो बॉस्को बहुत बढ़िया करते हैं, तेरा तौबा तौबा, हां यार बता भाई, तौबा तौबा करा के बंदा थक गया है, तौबा तौबा कह रहा है यार इतना फेमस हो जाता ना मैं, आई एम टू स्ट्रेस्ड आउट यार, कि मैं कुछ भी करता हूँ इतना फेमस हो जाता है, तो ये गाना जूनियर NTR को बोल दिया कर लो यार, देख लो जो स्टेप आएगा, आपको तो पता ही है आप नाटू नाटू वाले, आप तो नाटू नाटू वाले, आप खुद ही कर दो एक काम करो, आप खुद ही ऐसे करके एक स्टेप कर दो, हो जाएगा बढ़िया तरीके, आप बताओ आपके स्टेप हम फॉलो करेंगे, हाँ हम करवाते हैं, मतलब नाम हमारा आएगा, आप स्टेप आप ही करेंगे, लेकिन ये जो गाने का म्यूजिक है इसको दिया है अनिरुद्ध ने। अब ये अनिरुद्ध वो बंदे हैं जिन्होंने आपका जवान का पूरा BGM दिया था, जिन्होंने विक्रम का BGM दिया हुआ है और म्यूजिक दिया हुआ है, और मतलब ये उसमें भी इन्वॉल्व थे वाइड इज कोलावेरी डी में, ओ माई गॉड, तो मतलब अनिरुद्ध डायमंड, हाँ तो एक मतलब बिल्कुल लेजेंड आदमी है, और वो लेजेंड आदमी फिर कुल मिला कि ये चोरी तो जो कि जवान में भी था, तो BGM तो अच्छा है, और मुझे लगता है कि जितने भी साउथ इंडियन मूवीज होती हैं इनका एक मेन मतलब जो होता है ना कि एक USP वो तो होती है कि एक बहुत तगड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, है ना, और उसके ऊपर फिर ऐसे बिल्कुल हैवी वॉइस वाला वॉइस ओवर चलेगा कि ये हो गया वो हो गया। और देवरा का अगर आप टीजर देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही माहौल है, लड़ाइयां वड़ाइयां हो रही है, मारकाट चल रही है, और उसमें एक बहुत अच्छा सा BGM चल रहा है, और फिर उसके बीच एक वॉइस ओवर आता है, पर बहुत ज्यादा मारकाट नहीं होने लगी है साउथ की फिल्मों में, चाहे अब ये कल की ले लो, सलार आई थी, और ये पुष्पा, सब चीजों में सिर्फ मारपीट हो रही है, सिर्फ मारकाट KGF में, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो अच्छे से लव स्टोरी कर दे। ऑल्दो महाराजा करके एक मूवी आई है विजय सेतुपति वाली, वो बहुत ही शानदार मूवी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे है अभी, फटाफट से देखो, लेकिन इस टाइप की मूवी मुझे लगता है जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा हो ना, मुझे वो ज्यादा पसंद आती है, हो सकता है सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन अभी हम आते हैं गाने पे, गाने पे गाने की बात करते हैं, इधर उधर नहीं करते, जानवी कपूर तो बहुत सही लग रही है, और मुझे ना उनकी मम्मी की याद आ गई थोड़ी थोड़ी, श्रीदेवी की तरह लग रही है यार, बिंदी बिंदी लगाई हुई है, प्रॉपर साड़ी पहनी हुई है उन्होंने, और उन्होंने साड़ी भी थोड़ी ऐसे पुराने स्टाइल में पहनी हुई है ना, कि वो जिनका ब्लाउज ऐसा होता है एक सा वो पट्टा आ रहा होता है, वो मतलब अच्छा बिल्कुल बढ़िया वो फील आ रही है, लेकिन
हीरो और हीरोइन की जोड़ी इन्होंने ठीक से नहीं बना पाए यार, ये आपसे दिक्कत होगी है सर। ऐसा तो कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन ये वाली जोड़ी जो नीचे बनाई हुई है ये हमको पसंद नहीं आई। हाँ यार, तो देखो और गाना भी देखो थोड़ा पसंद सा नहीं आया, जोड़ी भी हमें थोड़ी पसंद सी नहीं आई। तो पसंद कुल मिला के ये आया कि जानवी कपूर अपनी जगह अच्छी लग रही है, जूनियर एनटीआर अपनी जगह अच्छी। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उनको डांस करना नहीं आया, उनको दोनों अच्छे हैं पर साथ में अच्छे। हाँ हाँ, साथ में उनकी फील्स नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं सुना है तो फटाफट जाओ YouTube पे धीरे धीरे सुनो। एक तो धीरे धीरे टाइटल भी ऐसा है, आप धीरे धीरे लिखोगे पहले तो हनी सिंह वाला आएगा। हाँ, नहीं नहीं, पर अभी अभी यही आ रहे हैं, इन्होंने कुछ सेटिंग करके रखी है, कुछ सेटिंग YouTube वाला। हेलो YouTube, आपने तो व्यूज ले लिए हैं, ठीक है, वो वाले धीरे धीरे ने काफी ज्यादा व्यूज लिए थे, वो भी टी सीरीज का था मेरे ख्याल से, ऋतिक रोशन और सोनम कपूर है, उन्होंने तो बहुत ज्यादा व्यूज लिए, तो इन्होंने बोला भैया आपने तो ले लिया, अब हमारी बारी है ना। वो लग रही थी अच्छी जोड़ी, हाँ वो बढ़िया थी, लेकिन वो भी टी सीरीज का गाना, तो हो सकता है टी सीरीज नहीं कहो भाई सुनो मेरा वाला गाना थोड़ा ये वाला ऊपर डालो, अभी न्यू आया इस वाले को पहले चलाओ, वो वाला बाद में चलाना। लेकिन आप डिसाइड करो यार आपको कैसा लगा ये गाना, हमको तो बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आया, देखो बात सीधी सी बात है। लेकिन आपको जैसा भी लगा आप कमेंट्स में बता दो आपको कैसा लगा। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच।